हाउ टू टेम्पर द गन, प्लीज हिट दिस टाइप, ओके रेडी हिट द गन, यू हैव टू हिट द विद द कोल कोल फॉर्ज, दिस इज अ गैस फॉर्ज, वी हैव नॉट अ कोल फॉर्ज सो वी आर हिटिंग बाई गैस फॉर्ज, दिस टाइप यू हैव टू हिट लिटिल बिट रेड, नॉट येलो, इट इज रेडिश ऑरेंज टाइप, ऑरेंज टाइप यू हैव टू, ऑरेंज टाइप यू हैव टू इट हिट, इफ यू विल हिट मोर देन इट विल बी दी डाई विल बी ब्रोक, यू हैव टू रीड दिस टाइप, ओके एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पोर दी वाटर ऑन दैट लाइक दिस, पोर दी वाटर ऑन दैट, we have not that pipe, you can go to the tap and pipe, you can by pipe you can pour continuously and go for to cold, totally cold by pouring water and water again and again, cold the material, ye gun ko temper is tarah se diya jata hai, garam karke orange type ka karna hai, isko orange type ko hone ke baad zyada peela nahi karna hai, peela zyada garam karega to gun phat jayega, ye dye hai machine ka, को ज़्यादा पीला नहीं करना है, अगर ज़्यादा पीला करेंगे तो फट जाएगा ये, अगर थोड़ी नरम निकला तो वापिस कर सकते हैं, तो ज़्यादा ऑरेंज टाइप का करना है, बस ऑरेंज टाइप, येलो नहीं, ओके और ये पानी डाल डाल के इसको ठंडा करना है, पूरा ठंडा कर देना है पानी डाल डाल के, अगर थोड़े में डाल के बंद कर दिया तो फिर से वो टेम्पर निकल जाएगा, पूरा इसको ठंडा करना है, सेंटर में गर्म कर जाता, सेंटर में भी बिल्कुल सेंटर में गर्म करो, ये भट्टी में गर्म कर सकते हैं आप, हमारे पास भट्टी नहीं है इसके लिए हम इससे गर्म कर रहे हैं, ये देखो पूरा ये पकड़ने जाओ ऐसे नरम फांसी लगे, तो ये पूरा फिर पौरी ये गर्म ठंडा हो गया, और फिर बाद में इसको ऐसे कीचड़ में डाल देना है, तो ये पूरा टेम्पर ऐसे डाल देना है इसको, इस तरह से पानी में ऐसे डाल देना है, मिट्टी में पूरा पानी इसमें भरा हुआ होना चाहिए इसे, तो ये टेम्पर फिर से उतरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऊपर गर्म है, ये ऊपर गर्म है तो ये गर्मी नीचे उतरेगी तो फिर से टेम्पर डाउन हो जाएगा, तो इसको ऐसे पानी में डुबो रखना है पूरा,